तो वही फतेहाबाद के किरढ़ान गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में 40 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, सभी बच्चियों को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत थी और सभी को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों के बीमार होने से स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना पाकर स्कूल के आला कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, बच्चों के बीमार होने से स्कूल स्टाफ में हड़कंप मचा है क्योंकि 40 बच्चियों की तबीयत अचानक खराब हुई है। किरढ़ान गांव की कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल का ये पूरा मामला है। सभी बच्चियों को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत मिली है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहाबाद के स्कूल का ये पूरा मामला, बच्चों के बीमार होने से स्कूल स्टाफ में हड़कंप मचा है। हालांकि मामले की सूचना पाकर स्कूल के आला कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। तो स्कूल में 40 बच्चियों की तबीयत खराब होने का ये पूरा मामला है। फतेहाबाद का ये पूरा मामला, स्कूल में 40 बच्चियों की अचानक तबीयत खराब हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी है बच्चों की हालत की बात की जाए तो? रमेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी रमेश, क्या कुछ जानकारी है, पूरा मामला बताइए विस्तार से। जी देखिए, बिल्कुल, ये फतेहाबाद के गांव खेलडान का मामला है, जहाँ गांधी विद्यालय बनाया गया, जिसके 40 लड़कियां जो हॉस्टल के अंदर रह रही थी, छात्रावास में थी, और अचानक छात्राओं की जो तबीयत खराब हो गई, उन्हें बुखार खांसी जुकाम होने लगी, तो अपनी स्कूल प्रशासन में मची, जिसके बाद सभी बच्चियों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में लाया गया, डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा। डॉक्टर से फिर में बात हुई है, उनका कहना है कि अभी उनकी हालत भी बिल्कुल स्थिर है और इलाज जारी है। जी, क्या कुछ जो है वहां पर मौके पर पहुंचे हैं आला कर्मचारी, उनका क्या कुछ कहना है, क्या बच्चियों को कोई मिड डे मील दिया गया था? देखिए, फिलहाल जो स्कूल प्रशासन की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए, खुल के बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि खाना फिलहाल द्वारा उनके टेस्ट लिए गए हैं, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद बता रहे हैं कि किस कारण इन्हें फूड पॉइजनिंग या अन्य दिक्कत आई है, उसके बाद फिलहाल बच्चों का इलाज किया जा रहा है, हालत स्थिर बताई जा रही है उनकी। जी जी रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।